हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल तेकुक एफएफ हिंदी स्पेलन। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन, जो एक लॉन्ग स्टोरी है। लेकिन हाँ, इसके कितने पार्ट होंगे मुझे भी नहीं पता है, ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप लोग को ये कहानी कैसे लगते हैं। और ये एक वैम्पायर स्टोरी है जिसपे तेई वैम्पायर है और इसका नाम है किडनैप बाई ए हार्टलेस वैम्पायर। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। त्यांग जो एक वैम्पायर है, त्यांग 1000 साल से जी रहा है। उसको किसी का इंतज़ार है, किसका वो भी नहीं जानते हैं। शायद इसलिए वो इस दुनिया में है और बहुत ही अकेला है, उसके पास कोई नहीं है। इन 1000 सालों में त्यांग ने बहुत कुछ अर्न किया है सिवाय प्यार के। उसको प्यार अभी तक नहीं मिला। प्यार क्या होते हैं ये त्यांग नहीं जानते हैं। और यहाँ पे हमारे जीवन जॉन को अपनी बेस्ट फ्रेंड जिमिन के साथ बहुत ज़्यादा खुश है। वो दोनों बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, साथ में पढ़ते हैं और जब भी मौका मिलते हैं तो दोनों घूमने के लिए चले जाते हैं, जहाँ मन हो वहीं चले जाते हैं। जिमिन और जॉन को साथ में ही पढ़ाई करते हैं। वो दोनों साथ में ही स्कूल में पढ़ रहा था, अभी कॉलेज उठ गए हैं। कॉलेज आने के बाद जिमिन और जॉन को दोनों को ही बहुत अच्छा लग रहा था, ये दोनों बहुत मज़े कर रहे थे। तो फिर टीचर ने आके उन लोगों की क्लास में कहा कि पिकनिक होने वाले हैं, तुम सब लोग जाना चाहते हो या नहीं। जॉन को और जिमिन पहले हाथ खड़ा करते हैं और बोलते हैं हम जाना चाहते हैं। टीचर कहते हैं ठीक है, कितने लोग जाना चाहते हो। सब लोग अपना हाथ खड़ा करते हैं और बोलते हम सब जाना चाहते हैं। लेकिन टीचर बोलते हैं एक शर्त है, जो एग्ज़ाम में अच्छा करेगा सिर्फ उन्हीं लोगों को मौका मिलेगा पिकनिक पे जाने का। तो तुम लोग अच्छे से स्टडी करना क्योंकि तुम लोग की टेस्ट होने वाले हैं। जिमिन जॉन को बोलते हैं ठीक है टीचर। जिमिन और जॉन को तो दोनों साथ में बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं और उसके बाद रिजल्ट बहुत अच्छा होते हैं। टीचर बोलते हैं जिन लोगों ने अच्छे रिजल्ट किया है उन सबको पिकनिक पे जाने का मौका मिलेगा। तुम्हें तुम सब लोग तैयार होना, अपने बैग पैक कर लो क्योंकि हम लोग 1 वीक के लिए पिकनिक पे जाने वाले हैं। जॉन को और जिमिन दोनों ही एक दूसरे को हग कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा खुश थे कि वो लोग साथ में पिकनिक पे जाने वाले हैं, इन दोनों को साथ में टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाएगा। क्लास के सभी लोग बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे। टीचर सबको बोलते हैं चुप हो जाओ और सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, 2 दिन बाद हम सब लोग पिकनिक पे जाने वाले हैं और 2 दिन बाद सुबह 8 बजे कॉलेज पहुँच जाना, ठीक है। तो फिर सब लोग बोलते हैं ठीक है टीचर। जॉन को और जिमिन जल्दी से कॉलेज से जब घर जा रहे थे, जिमिन उसको कहते हैं आज शाम को मिले क्या। जॉन को बोलते हैं लेकिन वो किस लिए। जिमिन बोलते हैं शॉपिंग नहीं करनी है क्या। जॉन को बोलते हैं मैंने तो पहले से बहुत कर लिया है और मुझे और करना है क्योंकि मुझे शॉपिंग करना बहुत पसंद है, मुझे नए नए कपड़े खरीदना बहुत अच्छा लगता है। जिमिन कहते हैं तो फिर साथ में चले। जॉन को बोलते हैं ये भी कोई पूछने की बात है क्या, ठीक है तो फिर शाम को मिलता हूँ। और जिमिन और जॉन को शाम को साथ में तैयार होकर शॉपिंग करने के लिए चले जाते हैं। ढेर सारी शॉपिंग करते हैं, इतना सारा शॉपिंग कर लेते हैं कि इन लोगों की बैग्स उठाने के लिए शॉपिंग मॉल के जो स्टाफ होते हैं उन लोगों को इन दोनों की बैग्स उठाने पड़ते हैं। उसके बाद इन दोनों की कार पे रखना पड़ते हैं। तो ये लोग घर आ रहे थे। घर आने के बाद जॉन को के मॉम बोलते हैं तुम पागल हो गए हो क्या, क्या पूरा मार्केट खरीद कर ले आए हो। जॉन को बोलते हैं मॉम मैं पिकनिक पे जा रहा हूँ, इतना कपड़े तो चाहिए ना। तो फिर उसके मॉम कहते हैं इतने कपड़े लेकर जाओगे ना तो बाद से नीचे उतार देगा तुम्हें और पिकनिक पे नहीं लेकर जाएगा, समझे तुम। जॉन को बोलते हैं तो क्या हुआ, अगर मुझे बस पे जगह नहीं मिला तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे कपड़ों को मिल जाए वही काफ़ी है। जॉन के मॉम उसके कान पकड़ के बोलते हैं एक लगाऊंगा, काफ़ी तो सीरियस हो जाया करो, हमेशा मजाक करते रहते हो। जॉन को बोलते हैं हाँ तो क्या करो, आप ही ऐसी बात करते हो कि मुझे इस तरह से जवाब देना पड़ते हैं। मैंने इतने सारे कपड़े खरीदा है किस लिए, मुझे यहाँ से कुछ कपड़े लेकर जाना है पिकनिक पे, इतना सारा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा तो लेकर जाऊँगा ना। जॉन को की मॉम बोलते हैं तो तुम कौन से कपड़े लेकर जाने वाले हो मुझे बता दो, मैं बैग पैक कर देता हूँ। जॉन को बोलते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया लेकिन मैं कर लूँगा। उसकी मॉम कहते हैं ठीक है मैं देख लूँगा, बाद में मुझे बुलाना मत कि बैग पे जगह नहीं हो रहे हैं। जॉन को बोलते हैं ठीक है
नहीं बोलूँगा आपको, आप ठीक है? जॉनकुक की मम बोलते हैं, ठीक है मुझे बुलाना भी मत, मैं रेस्ट करने के लिए अपने कमरे में जा रही हूँ। और यहाँ पे त्यांग अपने नाइफ को बहुत ही ज़्यादा शार्प कर रहे थे। और बहुत सारी चीज़ है जो हजार साल पुराना है लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा नया लग रहा था। कोई देख के ये नहीं कह सकते हैं कि हजार साल पुराना है ये, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो कोई भी बता सकेगा कि ये इस टाइम की तो नहीं है, क्योंकि हजार साल पुराना डिज़ाइनर चीज़ें आप कहाँ मिलने वाले हैं। अभी जो डिज़ाइन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक और मॉडर्न होते हैं। त्यांग किसी भी मेट को नहीं रखते हैं, उसके पास ऐसा कोई चीज़ नहीं जो उसके पास नहीं है। उसके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी कोई मेट नहीं। वो खुद सारी चीज़ों को क्लीन करते हैं और बहुत ही साफ सफाई उसको पसंद है। और पूरा घर को इस तरह से चमका के रखा था कि कोई देख के नहीं कह सकते हैं कि कोई वैम्पायर के घर है। और यहाँ पे वो अकेला रहते हैं। नेक्स्ट डे पे यहाँ पे जॉनकुक जिमिन के साथ बात कर रहे थे। जिमिन उसको बोलते हैं, जॉनकुक ये एक दिन कैसे गुजरेगा, मुझे इंतज़ार नहीं हो रहा है, मुझे पिकनिक जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ मैं। जॉनकुक बोलते हैं, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ लेकिन क्या करें। जिमिन बोलते हैं, हाँ तुमने सही कहा, क्योंकि जब हम इंतज़ार करते हैं तो वो पल बहुत ही स्लोली चलते हैं, लेकिन जब हम किसी काम में बिजी हो जाते हैं तब बहुत ही टाइम फास्ट हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि हाथ से टाइम बीतते जा रहे हैं। जॉनकुक बोलते हैं, हाँ तुमने सही कहा, लेकिन देखते देखते सुबह हो ही जाते हैं। और सुबह 8 बजने से पहले जॉनकुक और जिमिन पिकनिक के लिए अपने कॉलेज पहुँच जाते हैं और इतने सारे बैग्स साथ में लेकर आते हैं कि टीचर बोलते हैं, तुम दोनों पागल हो गए हो क्या, पिकनिक पे जा रहे हो या फिर हमेशा के लिए घर बसाने का वहाँ पे इरादा है, आखिर में क्या करना चाहते हो। जॉनकुक जिमिन बोलते हैं, टीचर ऐसे मत कहो, पिकनिक पे जा रहे हैं, बहुत सारे सेल्फी लेनी है, पिक्चर खींचनी है और उसके बाद हमें वीडियो भी बनाना है। टीचर बोलते हैं, हाँ तुमने सही कहा, मेमोरी होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये सारी पिक्चर और वीडियो ही है जो तुम्हें इस पल को याद कराएगा। लेकिन हाँ, पिक्चर और वीडियो से कुछ नहीं होते हैं, तुम्हें उस पिकनिक को एंजॉय करना चाहिए ताकि तुम्हारी मेमोरी से कभी वो डिलीट ना हो जाए, क्योंकि पिक्चर और वीडियो कभी भी डिलीट हो सकते हैं, लेकिन तुम अगर उसको एंजॉय करोगे और तुम्हारे दिल में वो बात रह जाएगा तो तुम्हें कभी उसको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तुम्हारे दिल की आँखों से तुम उसको देख लोगे और उसको एंजॉय करोगे, कभी नहीं भूलने वाले हो। इसलिए बच्चों, तुम सबको इस पिकनिक को एंजॉय करना चाहिए, ना ही वीडियो फोटो इस सब में टाइम ज़ाया करना। हाँ पिक्चर खींचो लेकिन उतना ही जितना ज़रूरत हो। और इतने सारे कपड़ों को यहाँ पे लेकर जाओगे तो फिर कपड़े चेंज करते ही पिकनिक ख़त्म हो जाएगा, पिकनिक को एंजॉय नहीं कर पाओगे। इतने सारे बैग साथ में कोई लेकर जाते हैं क्या? जॉनकुक तुमने क्या अपने घर को उठा कर लाए हो क्या? जॉनकुक बोलते हैं, आप मेरी मॉम जैसे बातें क्यों कर रहे हो, मॉम भी यही बोल रहे थे कि घर में और कुछ तो नहीं रह गया, उसको भी साथ में लेकर जाओ। तो फिर टीचर मुस्कुरा के बोलते हैं, तुम्हारे मॉम ने सही कहा, कुछ और रह गए हो तो हम मंगवा ले। तो जॉनकुक बोलते हैं, टीचर आप इस तरह से क्यों बोल रहे हो, क्या मैं सच में मंगवा लूँ? टीचर बोलते हैं, जॉनकुक तुम बहुत ही नॉटी हो, हमेशा ऐसे मजाक करते रहते हो। तो जॉनकुक बोलते हैं, आप चले क्या, और कितना इंतज़ार कराएंगे? टीचर कहते हैं, ठीक है जल्दी से बस में जाके उठ के बैठ जाओ, लेकिन हाँ बैग्स को धीरे से रखना और संभाल के किसी के ऊपर ना गिर जाए, इतने सारे बैग्स को रखोगे तो लोग बैठेंगे कहाँ। जॉनकुक जिमिन बोलते हैं, ठीक है लोगों की गोद में उठा देंगे इस बैग को तो सब बैठ भी पाएंगे और उसके ऊपर हम बैग्स भी रख दिया करेंगे तो फिर किसी को तकलीफ नहीं होगा। टीचर कहते हैं, शैतान बच्चे जाओ मेरी आंखों के सामने से, तुम लोग इतना ज़्यादा शैतान हो कि मैं क्या कहूँ। जिमिन मुस्कुरा के जॉनकुक की हैंड पकड़ के बस पे उठ जाते हैं और टीचर को बोलते हैं, थैंक यू टीचर, आपने हमें इजाज़त दे दिया है इतने सारे बैग्स को बस में उठाने के लिए। टीचर कहते हैं, क्या मैंने कब कहा, लेकिन ये लोग कुछ नहीं सुनते हैं, सारी बैग्स को बस में उठा ही लेते हैं। कहीं पे भी जगह नहीं हो रहा था, सब लोग बोल रहे थे, तुम लोगों ने क्या किया है, इतने सारे बैग्स कौन लेकर आते हैं, हम कहाँ बैठेंगे। जॉनकुक जिमिन सारी बैग्स को एक एक इंसान की गोद में जाकर रख देते हैं। सब लोग गुस्सा कर रहे थे लेकिन जॉनकुक अपने होठों को पाउट करके बोलते हैं, गर्ल्स क्या तुम लोग मेरे लिए थोड़े से जगह नहीं बना सकते हो।
ताकि मैं तुम लोग के साथ बैठ पाऊँ। जैसे ही जॉन कुक ये बात बोलते हैं, लड़कियाँ थोड़ा सा खिचक जाते हैं और जॉन कुक को बैठने के लिए बोलते हैं। तो जॉन कुक बोलते हैं, थैंक्स गर्ल्स, मैं जानता था तुम लोग मुझे खड़ा करके नहीं रखोगे, मुझे बैठने के लिए जगह ज़रूर दे दोगे। जिमिन कहते हैं, मैंने आखिर में क्या गलती कर दिया है, क्या मुझे खड़े होकर जाना पड़ेगा। लड़कियाँ थोड़ा सा और जगह बनाते हैं और जिमिन को बोलते हैं, तुम भी आ जाओ। जॉन कुक और जिमिन उन लड़कियों के साथ जाके बैठ जाते हैं। बॉयज़ बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे कि तुम दोनों लड़कियों के साथ भी बैठ गए हो और तुम लोग की बैग्स हम लोग को उठाना पड़ रहे हैं। तुम लोग को तो छोड़ूंगा नहीं, एक बार पिकनिक पे पहुँच जाओ, देखो तुम लोग के साथ क्या करता हो। तो जॉन कुक बोलते हैं, देख लेंगे क्या करते हो। क्यों लड़कियाँ, सही कह रहा हूँ ना मैं? लड़कियाँ बोलते हैं, हाँ हम लोग तुम्हारे साथ हैं। जॉन कुक का जिमिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लड़कियों के साथ बात करते करते कब जर्नी ख़त्म हो जाते हैं और पिकनिक स्पॉट पे पहुंच जाते हैं ये लोग भी नहीं जानते हैं। सब लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड थे तो सब लोग अब रेस्ट करना चाहते हैं। टीचर बोलते हैं, सब लोग अपने कमरे की चाबी लो और दो दो करके एक कमरे में जाके रुक जाओ। तो जिमिन और जॉन कुक को एक कमरे में रुकने के लिए एक चाबी देते हैं। जॉन कुक का जिमिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि ये दोनों साथ में रहने वाले हैं। और इन दोनों अपने बैग्स को ड्राइवर को बोलते हैं, क्या हमारे कमरे में पहुँचा दोगे? ड्राइवर बोलते हैं, इतने सारे बैग्स मैं कैसे उठाऊँगा सर। जॉन कुक और जिमिन ड्राइवर के हाथ में कुछ पैसे देते हैं और बोलते हैं, किसी को मत बताना ठीक है, जल्दी से बैग्स को कमरे में पहुंचा दो। ड्राइवर बोलते हैं, ओके बॉस, और सारे बैग्स को जॉन कुक और जिमिन के कमरे में पहुंचा देते हैं। लेकिन इस होटल की जो मालिक है और मैनेजर है वो लोग कहते हैं, एक कमरे में इतना ज़्यादा सामान जा रहे हैं, क्या ये लोग सामान के साथ कुछ और तो नहीं लेकर आए हैं ना, चेक करो। तो जॉन कुक आके बोलते, हे किसके बैग चेक करने के लिए बोल रहे हो आप, जानते भी हो कि मैं कौन हूँ? जियोन जॉन कुक, जियोन कंपनी की। इससे पहले कि जॉन कुक अपनी बात पूरी करते हैं, जिमिन बोलते हैं, ये जियोन कंपनी की चेयरमैन की सन है, आप लोग किसके साथ इस तरह से बात कर रहे हो, समझ भी रहे हो? और बैग्स हम लोग के कपड़ों की है, शूज़ की है, यहाँ पे बहुत सारे कपड़े और शूज़ हैं, हमें चाहिए तो हम अपने साथ कमरे में लेकर जाएंगे। आप लोग कुछ नहीं कह सकते हो क्या? आपके कमरे में इतना सारा जगह नहीं है कि हम दोनों के सारे कपड़ों को रख सके? तो ओनर बोलते हैं मैनेजर को, इन लोगों को जाने दो। और फिर जॉन कुक और जिमिन को कमरे में जाने के लिए देते हैं सारे कपड़े के बैग और शूज़ के बैग्स। जब इन दोनों के रूम में आकर सारे बैग्स रखते हैं तो सिर्फ इन दोनों के बैग्स ही दिख रहे थे इन दोनों के अलावा। तो जिमिन और जॉन कुक दोनों ही मुस्कराता है कि इन लोगों ने क्या किया है, सच में बहुत सारे कपड़े और शूज़ लेकर आए हैं साथ में। इस होटल में त्यांग और योंगी भी आते हैं एक कमरे में ठहरने के लिए, क्योंकि त्यांग और योंगी एक मीटिंग के लिए यहाँ पे आए हुए थे। लेकिन अब यहाँ से जाने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए इन दोनों को यहाँ पे रुकना होगा। तो योंगी ने इस होटल के कमरे को बुक किया है और त्यांग को बोलते हैं, चलो कमरे में जाके थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लेते हैं। त्यांग बोलते हैं, ठीक है चलो हम दोनों कमरे में चले जाते हैं, किस को जल्दी से लेकर आओ और जाके दरवाज़ा खोलो। तो योंगी बोलते हैं, ठीक है चलो चलते हैं। तो जब कमरे के अंदर आते हैं योंगी त्यांग को बोलते हैं, तुम अब भी कितना हैंडसम लगते हो, तुम्हें देखकर कोई नहीं कह सकते हैं हज़ार साल के हो, लेकिन मुझे देखो, मैं 25 ईयर्स का हूँ लेकिन तुमसे बड़े लगता हो। तो त्यांग बोलते हैं, इसमें मेरी गलती है क्या, अब मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हें अगर मेरे जैसा इतना हैंडसम दिखना है और तुम भी मेरे जैसा ही इतना यंग दिखना चाहते हो तो वैम्पायर बन जाओ। योंगी बोलते हैं, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है कि मुझे वैम्पायर बन जाना चाहिए। त्यांग बोलते हैं, क्या मजाक है ये, क्या तुम सच में वैम्पायर बनना चाहते हो? ये बात बोलते हुए त्यांग योंगी के गले के सामने अपना मुँह लेकर जाते हैं और उसको कहते हैं, मैं अभी तुम्हें वैम्पायर बनाता हूँ ठीक है? योंगी बोलते हैं, क्या कर रहे हो तुम, मैं मजाक कर रहा था, मुझे वैम्पायर नहीं बनना है क्योंकि मैं किसी को पसंद करता हूँ और वो इंसान है, मुझे इंसान के साथ घर बसाना है, ना ही वैम्पायर बनना है। त्यांग बोलते हैं, तुम बोलना क्या चाहते हो, कि एक घर बसाना कोई ज़रूरी है क्या? आखिर में लोग शादी क्यों करते हैं, क्या तुम मुझे बता सकते हो? योंगी कहते हैं, शादी इसलिए करते हैं क्योंकि दो लोग के बीच में प्यार होते हैं और शादी करने के बाद बच्चे होते हैं, उसके बाद वो लोग भी बड़े होते हैं, उन लोग की शादी करवाने पड़ते हैं, उसके बाद उन लोग के बच्चे होते हैं। त्यांग बोलते हैं, रुक जाओ बहुत हो गया, मुझे ये प्यार व्यार के चक्कर समझ में नहीं आता है,
मुझे इन प्यार से दूरी रखो। युंगी बोलते हैं, तुम्हारे पास दिल नहीं है क्या? तुम हमेशा इतने हार्टलेस क्यों बात करते हो? त्यांग बोलते हैं, पता नहीं मेरे अंदर दिल है या नहीं, शायद नहीं है, शायद वैम्पायर के पास दिल नहीं होते हैं। युंगी बोलते हैं, मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि अगर तुम्हारे पास दिल होता तो तुम इस तरह की बात नहीं करते, क्योंकि प्यार होना बहुत ज़रूरी है। सबको प्यार होते हैं एक बार ही सही, लेकिन प्यार करना चाहिए, तो फिर पता चलता है कि प्यार कितनी प्यारी चीज़ है। तो युंगी की बात सुन के त्यांग मुस्कुरा के बोलते हैं, तुम्हारी बकपस बंद हो गए हो तो क्या मैं अब अपने काम करूँ? मुझे इस मीटिंग के बाद और एक मीटिंग करना था, लेकिन तुम इतना ज़्यादा टायर्ड हो गए हो इसलिए हमें इस होटल पर रुकना पड़ा, लेकिन सुबह को हम यहाँ से चले जाएंगे, मुझे किसी और जगह पर रुकना पसंद नहीं। तो युंगी बोलते हैं, कैसे पसंद होंगे? तुम्हारे पास इतने सारे आलीशान घर जो है, मेरे पास तो इतना सारा आलीशान घर नहीं है। तो त्यांग बोलते हैं, तुम्हारे पास जितना है उससे ही खुश रहा करो, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत है। तो युंगी बोलते हैं, तुम्हारे जितना नहीं, क्योंकि तुमने इन हज़ारों सालों में बहुत कुछ कमाया है, लेकिन मैंने उतना कुछ नहीं कर पाया क्योंकि मैं सिर्फ 25 ईयर्स का हूँ। अगर तुम्हारे जितना हजार साल जी पाऊँगा तो मैं भी इतना कुछ ही कमा लूँगा, मेरे पास ही इतने कुछ होंगे। त्यांग बोलते हैं, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? तो तुम मुझे बोल सकते हो, मैं तुम्हें दिला दूँगा। युंगी बोलते हैं, नहीं, मुझे खुद अर्न करना है, किससे भीख मांग के नहीं। त्यांग बोलते हैं, कैसी बातें कर रहे हो, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो तुम मुझे इस तरह से नहीं बोल सकते हो। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ क्या? तुम्हें कुछ चाहिए हेल्प? युंगी बोलते हैं, नहीं, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम मेरी हेल्प करोगे, क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो, सिवाय एक चीज़ के कि तुम्हारे पास दिल नहीं है। सो गाइस, इस पार्ट को यहाँ पर ख़त्म करें, ठीक है? नेक्स्ट पार्ट में जानकुक और त्यांग कैसे मिलते हैं आप लोग को पता चल जाएगा। तो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।